how I cleared UGC NET JRF. So last year, November 2017, में मैंने UGC attempt किया और जैन में result आया अभी 2018 में. So cutoff थी, basic cutoff थी 54% and JRF cutoff थी 62% और I scored 70%. So it was a really good score. मैं भी बड़ा खुश था, like I was pretty surprised. तो एंड ऑल्सो बिकॉज मैं वैसे नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, यानी कि मेरी जो ग्रेजुएशन थी कॉमर्स में थी, तो आई फेल्ट लाइक आई वॉज अप अगेंस्ट सो मैनी पीपल जिन्होंने सालों साल साइकोलॉजी पढ़ी और वो नेट देंगे. तो मेरा वो स्कोर आया तो लाइक इट वॉज बहुत अच्छा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था. एनी वे तो आज लाइक आई एम नॉट अ प्रोफेसर ऑफ हाउ टू स्टडी फॉर यू जी सी. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू माई एक्सपीरियंस, मैंने क्या क्या किया, हाउ आई स्टार्टेड. आई जस्ट कैजुअली टेल माई जर्नी और उसमें से वट एवर यू कैन पिक यू शुड. अब मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन पहले ये था, पढ़ूँ कैसे. आई मीन मैं सच में कोई गाइड करने वाला नहीं था और लोग क्या बताएंगे, और कोई गाइड कर भी दे तो फिर भी लाइक इतना कुछ सामने था. यू जी सी नेट एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, पूरे इंडिया में लोग देते हैं. तो ऑब्वियसली आई स्टार्टेड सर्चिंग सबसे पहले बुक्स कौन सी थी. तो बुक्स एज यू माइट हैव हर्ड ऑल्सो, मेरे सामने सबसे पहले नाम अरिहंत आया. सो मैंने कहा कि एक बार बुक्स तो मैं जो सामने आएंगी खरीद ही लूँगा, कि लाइक आई विल गो ऑन द एक्सेस साइड, मैं कम नहीं रहनी चाहिए. तो मैंने सर्च किया अमेजोन पे, इधर उधर रिव्यूज़ पढ़े, तो आई बॉट अरिहंत एंड ट्रूमन पेपर 2 और 3 के लिए. एंड समबडी इज़ टेलिंग मी पेपर 2 और 3 इस बार कंबाइन हो गया, एंड आई डोंट नो, बट या अप अंटिल देन पेपर 2 और 3 दोनों साइकोलॉजी के होते थे. तो पेपर 2 और 3 के लिए जो साइकोलॉजी का जो पार्ट था उसके लिए फिर मैंने अरिहंत और ट्रूमन दोनों खरीदी. और पेपर 1 के लिए अगेन मुझे डर लगा, मैं कहा यार ये तो इसमें कुछ आइडिया नहीं है, साइकोलॉजी तो फिर भी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, ये जो पेपर 1 का कहाँ से पढ़ाई करूँगा. तो थोड़ी बुक्स सस्ती मिल रही थी, मैंने 4 खरीद ली जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, की कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए. तो 4 बुक्स, तो टोटल 6 बुक्स खरीद ली. और बाय द वे उन 4 में से 2 बुक्स तो मैंने कभी हाथ ही नहीं लगाई, वो पैक्ड ही पड़ी रही. तो हाँ, तो वो बुक्स आ गई और फिर मैंने खोल के देखना शुरू किया पढ़ाई कैसे करें. तो लाइक आई लाइक टू स्ट्रेटेजाइज पहले, मैं पढ़ी मतलब कि पूरा प्लान करके कि हाँ ऐसे 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 मुझे पढ़ना है, पर समझ नहीं आ रहा था कि इसमें कैसे करूँ, मतलब हाउ मैं उस सिलेबस को कैसे, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस था कि कैसे स्ट्रक्चर को 2 महीने पढ़े हैं. और एक आदत है कि मुझे हमेशा से कि एक पूरी कंप्लीशन की फील आनी चाहिए कि हाँ मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, और सिलेबस को देखा तो लगा कि ये फिनिश हो नहीं पाएगा, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ कैसे करें. तो स्टार्टिंग मैंने ये की कि हर चैप्टर में, अरिहंत के हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस होते थे मैंने उससे स्टार्ट कर दिया. मैंने कहा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स सी क्या होता है. पर वो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा, मैंने ऐसे 15 दिन लगाए, कम से कम 15 दिन क्वेश्चंस को सॉल्व किया. पर मुझे ऐसे जब मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट कितने समझ में आ रहे हैं, तो देखा कि बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो नहीं रहा था और बहुत डिटेल में जाया जा रहा था, तो मैंने कहा ये तरीका तो काम नहीं कर रहा. फिर मैंने सोचा कि इसको छोड़ के सीधा चैप्टर वाइज शुरू कर देता हूँ. तो 15 दिन बाद मेरे को याद आया कि चलो यार, अब फिर मैंने अरिहंत की बुक निकाली और ट्रूमैन भी निकाली, मुझे लगा अब एक एक चैप्टर को पूरा करता हूँ, और ताकि एटलीस्ट फील आए कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया. तो मैंने एक्चुअली पेजेस का हिसाब लगाया कि मुझे एक दिन में कितने पेजेस फिनिश करने होंगे टू फिनिश, और जब मैंने वो हिसाब लगाया तो मुझे समझ में आया तो ये बेयरली मैं बुक फिनिश भी कर पाऊँ तो भी गनीमत है. तो भी बट मैं रिविजन या मतलब उसके रिविजन तो कभी कर पाऊँगा, मतलब इसको फिनिश कर पाऊँ वो भी अपने आप में बहुत है. तो बट स्टिल मैंने कुछ दिन फिर वैसे ही पढ़ाई करके देखी, और पढ़ाई करके अगेन वही फील आया कि नहीं ये लाइक मुझे ऐसे ग्रैस्प आ नहीं रहा है, ऐसे कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है. तो ऐसे करते करते, और थोड़ा कॉलेज का काम भी था, फिर मैंने सोचा कि कॉलेज का काम भी सुलटाना है, तो मैंने वो जो फर्स्ट मंथ में साथ साथ वो भी सुलटाए. पर करते 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 मेरी टेंशन बढ़ती गई, मैं कह एग्ज़ाम में अब महीना कुछ रह गया था और मैं इधर उधर हाथ पैर मार रहा हूँ, करूँ क्या. तो फाइनली एग्ज़ाम से 25 दिन पहले मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स कर लूँ बस. देन आई स्टार्टेड डूइंग 1 by 1 कि बस मुझे सिर्फ सिस्टमेटिकली सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, एकदम इस तरह से करूँ कि सिमुलेशन में करूँ, जैसे कि मुझे टेस्ट देना ही है और मैं अभी नेट के एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मेरे पास पेपर आ गया और मुझे विद इन टाइम लिमिट और विद इन इमेजिनिंग दैट प्रेशर वैसे ही सॉल्व करना है. तो मैंने लिटरली अपने फ़ोन के अंदर भी वो टाइम लगा दिया जिस टाइम एक्चुअल एग्ज़ाम 5 तारीख को होना था, सुबह 9:30 बजे कुछ एग्ज़ाम होना था, तो मैं अपने फ़ोन में वो टाइम लगा देता था ताकि मुझे वो फील आए कि हाँ मैं कितनी देर में क्या ख़त्म कर रहा हूँ, एकदम प्रॉपर सिमुलेशन. अब उस स्ट्रैटेजी में मैं करता क्या था, लाइक अब वो दैट्स द मेन पार्ट जो जिससे जिसका कि आप फ़ायदा ले सकते हो.
मेरा ये कंसर्न है, आप ये मान लो कि अगर नॉलेज आपकी आज करंट नॉलेज 30 है 35 है आउट ऑफ 100 फॉर साइकोलॉजी, और आपको नेट क्लियर करने के लिए मान लो 60 चाहिए, ठीक है, तो 40 है 60 चाहिए, तो मतलब हमारी कोशिश ये है कि उस 20 को ही टारगेट बनाएं क्योंकि टाइम लिमिटेड है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हम 100 को कवर करें। तो मॉक पेपर में मैं ये करता था कि जैसे मॉक पेपर सॉल्व किया उसको पूरा, फिर मैं आंसर कीज निकालता था उससे मैच करता था, तो आंसर कीज निकाल के मैच करके जो जो मेरे आंसर्स गलत हैं उन सारे, और फिर मैं पढ़ाई जो करता था एक्चुअल स्टडी जो होती थी वो सिर्फ उन चीज़ों की करता था जो वहाँ मैंने गलत अटेम्प्ट किया है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें मुझे लगता था कॉन्फिडेंस नहीं है, और जो जो मैं नया पढ़ता था उनके मैं नोट्स बनाता गया, मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला और एक एक चीज़ जो जो मैं नया पढ़ रहा हूँ वो वहाँ पर मैं कॉपी करता गया। तो फिर मैं एक एग्ज़ाम देता था उसमें ऐसे ही ये मान लो 50 में से 30 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे, तो जो 20 गलत हैं बैठ के उन पर पूरा पढ़ा, रिसर्च की और फिर उनके नोट्स बना बना के कंपाइल करता गया। और इसको करने में एक चीज़ की मुझे बड़ी हेल्प मिली थी, वो है एक चैनल है यूट्यूब पर एग्ज़ाम रेस, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। वो क्या है, उन्होंने पूरे जो पुराने 6 साल के पुराने जितने भी पेपर्स हैं नेट के, यूजीसी साइकोलॉजी के और भी लोगों के और भी सब्जेक्ट्स के, वो सॉल्व कर रखे हैं, और न केवल सॉल्व करते हैं वो सही आंसर बताते हैं बट ऑल्सो कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो भी दे देते हैं। तो क्या होता था बहुत बार क्वेश्चंस कर लो पता होता है कि बट ये पता है कि मेरा गलत है, बट स्टिल ये नहीं पता होता कि कौन सी थ्योरी से आ रहा है, तो वहाँ मुझे उस चैनल की बहुत हेल्प मिली। तो वो चैनल मुझे बता देता था ये क्वेश्चन उस थ्योरी को बिलोंग करता है, फिर उस थ्योरी को मैं इंटरनेट पे देखता या रेहंत बुक में देख लेता और उसको फिर अपने नोट्स में ऐड कर देता था। तो मैंने पूरे आखिरी के जो 20 दिन थे मतलब एग्ज़ाम से 5 दिन पहले तक मैंने एक ही काम किया, सिर्फ पेपर पे पेपर सॉल्व किए। टोटल मैंने लास्ट 6 बार के जो नेट एग्ज़ाम हुए थे, 6 बार के नेट एग्ज़ाम के तीनों पेपर सॉल्व किए, यानी कि टोटल 18 पेपर मैंने प्रॉपर सिमुलेशन में बैठ के टाइमर लगाकर और क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व किए। और बीच में मुझे जब मैं 10-12 दिन निकल गए थे ऐसे करते करते, तब मुझे आइडिया आया कि मैं अपनी परफॉर्मेंस चेक कैसे करूं, लाइक मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि ये 60%। फिर मैंने तब मुझे आइडिया आया कि लेट्स चेक द कट ऑफ। तो फिर मैंने जब नेट पे कट ऑफ चेक की तो इनिशियली मुझे पता चला मेरी कट ऑफ एकदम लाइन पे आ रही है जो यूजीसी की उस साल की कट ऑफ, उस टाइम की कट ऑफ थी। बट थैंकफुली जब मैं आखिरी के जब 5-6 पेपर सॉल्व कर रहा था टूवर्ड्स द एंड, जब जैसे अक्टूबर ख़त्म होने को आ रहा था, तब मुझे देखने लगा कि हाँ मेरी अब कट ऑफ थोड़ी कंफर्टेबली क्लियर हो रही है। और फाइनली जो मैंने लास्ट के 2-3 एग्जाम्स दिए उसमें मैंने 8-10% ऊपर एक्सीड करके कट ऑफ किया, तब मुझे फाइनली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मैं पेपर सॉल्व कर लूँगा। बट स्टिल वो जब तक हो नहीं जाता तो टेंशन रहती है। तो ये मैंने 18 पेपर ऐसे सॉल्व किए, और फिर मैंने क्या किया, और ये मैंने अगेन मेरी स्ट्रैटेजी का भी पार्ट था कि जो जो मेरे को नहीं आता था उन पेपर्स में से उसको जो मैं सॉल्व करके, उसको जो मैं सीख कर जो उनको नोट्स में कन्वर्ट कर रहा था, तो मेरे पास पूरा अच्छा कॉम्पिलेशन हो गया नोट्स का। फिर मैंने आखिरी के 3 और 4 दिन सिर्फ उन नोट्स के लिए रखे कि अब मुझे बस छोड़ दो पेपर्स को, सिर्फ जो नहीं आता उसको रिवाइज करना है। तो आखिरी के 3-4 दिन मैंने मतलब लग के रात को पूरी, और मैं पढ़ता रात को था, दिन में सोता था क्योंकि रात को अच्छी पढ़ाई होती है, तो बैठ के सिर्फ और सिर्फ बड़ा स्पीड से सारे नोट्स को 2-3 बार रिवाइज़ किया। मतलब एक बार सबसे अगेन सबसे पहले डिटेल में, फिर उससे कम डिटेल में, और फिर उससे कम डिटेल में, और बस एग्ज़ाम के दिन सुबह सुबह सिर्फ हेडिंग्स और टाइटल्स फटाफट देखकर, ताकि मुझे एक पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हर टॉपिक में क्या 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 है। तो बेसिकली ये मेरी वहाँ तक की तैयारी थी। और इसमें मैं कुछ बातें और अलग पॉइंट आउट, कुछ डिटेल्स पॉइंट आउट कर देता हूँ कि मैं क्या रूटीन क्या था, क्या करता था। एवरेज में मैंने लास्ट के 25 दिन 6-7 घंटा एवरेज में पढ़ाई की है। मतलब 18 अक्टूबर को शायद दिवाली थी, मैं उस दिन भी पढ़ाई कर रहा था, तो ब्रेक लिया ही नहीं क्योंकि वो इतना था कि अब एक, और मैं इतना तंग आ गया था इन अ वे कि मतलब इतना कुछ पढ़ना पड़ रहा था कि मुझे था कि मुझे एक बार में क्लियर करना है, आई कैन नॉट गो थ्रू दिस अगेन, तो जितना जोर है एक बार में लगा दो। तो मैंने वो लिटरली वो किया कि मेरे में जितना जोर था मैंने सारा लगा दिया, तो और थैंकफुली क्लियर हो गया, अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट यहाँ करूँगा वो ये है कि बहुत बार लोग स्टैटिस्टिक्स को मिस कर देते हैं, और मेरा नेचुरली मैथ्स थोड़ा ठीक था बट स्टैटिस्टिक्स स्टिल बड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता था। तो मैं जब पेपर सॉल्व करता था तो मैं ये देखता था कि कुछ क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे, बार बार गलत हो रहे हैं, और मैं सोचा था छोड़ दूँ उनको। तो जैसे फैक्टर एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रो मैक्स वेरी मैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और अनोवा से रिलेटेड वो सब चीज़ें थी, एफ रेशो वगैरह से कभी कभी आते थे, तो वो बड़ा
गलत होते थे और मुझे लगता था कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि एक बार अगर समझ लें तो इनमें मार्क्स आने ही आने हैं। तो मैंने फिर लिटरली उस दिन मेरे को कन्फ्यूजन था क्या मैं इनमें टाइम लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो मैंने एक्चुअली फैक्टर एनालिसिस की अलग से बुक खरीदी और पूरा एक दिन एक या शायद दो दिन उस पर लगाए क्योंकि मुझे लगता कि इसको एक बार करना ही पड़ेगा लग के सारा काम रुक कर। अनोवा के लिए भी यही किया मैंने कि एक बार लग के सबको समझा कि और बाकी मुझे थोड़े बहुत आते थे बट उनको भी फिर डिटेल में किया कि मुझे था कि स्टैटिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि उसमें मेरे बार बार मार्क्स जा रहे थे। तो वो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम का जब मैंने फाइनल रिजल्ट देखा तो यही देखा कि मेरे जो स्टैटिस्टिक्स के बेसिकली सारे क्वेश्चन थे वो मेरे को बड़ी अच्छी लीड दे गए थे और मतलब मेरे ऑलमोस्ट सब सही थे। तो ये एक बड़ी याद रखने वाली बात है कि स्टैटिस्टिक्स में लगकर एक बार टाइम लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि वहाँ तुम फिर तुक्के मारोगे तो अगेन तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 25% है वो करने की, तो डोंट रिलाई ऑन दैट। वहाँ पर इंस्टिंक्ट्स काम नहीं करती स्टैटिस्टिक्स में, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर नहीं आता। तो इसलिए वहाँ टाइम लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। और जो नोट्स की बात है मैं ज़रूर कहूँगा कि यू माइट वांट टू आस्क मी कि मुझे अपने नोट्स दे दो, और मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आई वुड सीरियसली सजेस्ट कि अपने नोट्स खुद बनाओ उन पार्ट्स के जो आपको नहीं आते, जो आप क्वेश्चन पेपर्स में मिस कर रहे हो उनके नोट्स बनाओ और एंड में बस उनको रिवाइज कर लो। आई एम प्रिटी श्योर, और सबसे अच्छी बात क्या है वो प्रोसेस में तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाता है क्योंकि तुम हर पेपर के बाद अपने आप को जज कर पाते हो कि एक पेपर दिया फिर अपने आप को देखा कि हाँ अब मैं कट ऑफ के अगेंस्ट कहाँ रिलाई कर रहा हूँ, तो फिर तुम अपनी मेहनत को एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं हो रहा तो फिर फटाफट मेहनत और बढ़ाओ। अदरवाइज तो पूरा संसार पूरा सागर इतना बड़ा है कि तुम्हें कोई गाइडलाइन ही नहीं मिलती कि मतलब मेहनत करूँ कितनी करूँ मतलब। तो ये कट ऑफ जो है JRF की कट ऑफ है उससे खुद को मैच करना बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे भी फाइनली जब कॉन्फिडेंस आया था वो इसी बात से आया था कि मैंने जब अपना स्कोर निकाला फिर कट ऑफ से मैच किया और लग रहा था कि हाँ हर बार क्लियर हो रहा है, तब लग रहा था कि मैं सही ट्रैक पर हूँ एटलीस्ट। तो इसलिए ये तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि अपने आप को कंटिन्यूसली अपने लेवल को चेक करते रहना उस कट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल पीस आती है एटलीस्ट और क्लैरिटी आती है। अच्छा, इनिशियली जब मैंने नोट्स बनाए थे तो मैंने सोचा था कि ये सब वॉल पे लगाता हूँ, मैं दिखाता हूँ मैंने क्या नोट्स बनाए, जैसे कैली का पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट थियरी और ये सारे कॉन्स्ट्रक्ट थे। मुझे था कि जब मैं कमरे में घूमूंगा इधर उधर तो देख सकूंगा ये एरिक्सन का साइको सोशल स्टेजेस, और ये मैंने ऐसे सारी स्टेजेस को पूरा ऐसे चार्ट बनाया। और फिर इंस्टिंक्ट थियरीज में मुझे दो तीन मिली, तो फ्रॉयड इरोस थैनाटोस इंस्टिंक्ट्स कैथारसिस ऑल ऑफ दीज, तो नई नई चीज़ें आ रही थी। मतलब मैं बेसिकली ग्रुपिंग कर रहा था इंस्टिंक्ट थ्योरीज की, फिर ये जैसे मोटिवेशन थ्योरीज तो कंटेंट थ्योरीज और नीचे ये प्रोसेस थ्योरीज, तो इनको बनाया। और ये एक्चुअली मैंने इससे यहाँ से काफ़ी रिवाइज किया था। और फिर यहाँ पर मैंने स्टैटिस्टिक्स में जब मैं बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा था तो मैं थोड़ा डेप्थ में चला गया कि मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा अनोवा को समझते हैं डेप्थ में जाके अनोवा है क्या चीज़। तो फिर ये आई डोंट थिंक आपको समझ में आएगा क्योंकि ये थोड़ा मैंने अपने हिसाब से किया है, बट बेसिकली अनोवा में सम ऑफ स्क्वायर्स के पीछे फंडा क्या है, हो क्या रहा है, उसको समझने के लिए मैंने ये सब किया। अच्छा, ये लॉजिक का था थोड़ा सा कि लॉजिक की चीज़ें, प्रेमिस क्या है, कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट क्या है, अगेन ये अनोवा का। फिर ये वेरियंस कैलकुलेट करने के दो तरीके उनको मैंने देखा कि कैसे दोनों से सेम आंसर्स आ रहे हैं। वेरियंस को फिर मैंने ग्राफिकली डिनोट करके देखा खुद ही कि कैसे वेरियंस, मतलब मुझे एक फील चाहिए था कि कैसा होता है। तो मुझे ये था कि स्टैटिस्टिक्स को तो बड़े अच्छे से समझना ही है मुझे, तो इसलिए फिर मैंने ये मेहनत की थी। एंड हाँ, एक चीज़ और कि मेरे साथ धोखा हुआ, थोड़ी बेवकूफ़ी मेरी मान लो, कि मैं जब पेपर वन को सॉल्व करता था तो सॉल्व करने में मैं कैलकुलेटर यूज़ करता रहता था। तो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स MA के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो मुझे लगा नेट में भी अलाउड होगा, तो मैं कैलकुलेटर से फटाफट सॉल्व कर लेता था और टाइम से पूरा हो जाता था और मुझे लगता था यार पेपर वन तो टाइम से पूरा हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्ज़ाम के दिन सुबह मैंने जब वो एडमिट कार्ड निकाल के देखा उसमें लिखा हुआ था कैलकुलेटर नॉट अलाउड, मेरे पसीने निकल गए उस दिन सुबह, मेरी हालत ख़राब हो गई कि ये हुआ क्या मतलब, और मेरा सारा कॉन्फिडेंस ना यहाँ से एकदम ये होगा कि आज पेपर वन पूरा नहीं होगा। और वैसे पेपर वन में मैंने थोड़ा स्ट्रगल भी किया, एक्चुअली जो क्वेश्चन आया था थोड़ा मुश्किल से आ गया था और ऑलमोस्ट मेरा मार्जिन पे जाके पेपर ख़त्म हुआ क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं था और काफ़ी सारी कैलकुलेशन हो गई थी और प्रैक्टिस नहीं की थी बेसिकली। ऐसा नहीं कि मेरी कैलकुलेशन बुरी है बट वो क्या होता है उस जोन में नहीं था, प्रैक्टिस नहीं की थी।
मॉक पेपर को करने के बेनिफिट्स क्या हैं, फाइनली मैं वो बताता हूँ कि कितने बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले फोकस स्टडी है, तुम वो पढ़ते हो जो एग्ज़ाम्स में आने वाला है, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में आ रहा है बहुत सालों से, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उस अलॉन्ग दोज लाइन्स आता है. एंड समटाइम्स क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्रॉपर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मॉक पेपर करने का तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि तुम्हें क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाता है. दूसरी चीज़ अगेन वो मैंने जो बताया था कि खुद को तुम जज कर पाते हो कट ऑफ से कि हाँ तुम कहाँ अभी स्टैंड करते हो, तो उससे अपनी मेहनत को अपने फोकस को एडजस्ट कर सकते हो कि अगर और ज़रूरत है तो ज़्यादा पढ़ाई करें, और एक्चुअली मोटिवेशन मिलता है. एंड तीसरा फ़ायदा है कि क्योंकि मैं जैसे सिमुलेटेड टाइम एकदम सेट करके करता था तो पेपर देने की आदत पड़ जाती है. तो उस दिन जब मैं एग्ज़ाम में पेपर दे रहा था तो मुझे इतना ऐसे यू नहीं फील हो रहा था कि एकदम से मैं क्या करूँ, बहुत स्ट्रेसफुल नहीं था क्योंकि वो काम मैं 18 बार पहले कर चुका हूँ, एकदम उस मोड में बैठ कर कि हाँ हाँ अब फटाफट टाइम को ध्यान में रखते हुए फटाफट सॉल्व करना है, तो खुद को एक मेरी एक रिदम बन गई थी मेरे को. और फाइनली एक्चुअली पेपर सॉल्व करने में स्ट्रेटजीज होती हैं कि तुम किस तरह से क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो, किस तरह से गेस्ट लगाते हो, तो वो जब जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुम पेपर करने की स्ट्रेटजी सीख जाते हो. तो अगर तुम ये सोचो कि तुम्हें साइकोलॉजी अच्छे से आती है और सिंपली जाके पेपर दे दोगे, दे सकते हो, बट अगेन ये मत सोचना कि पेपर देना अपने आप में एक आर्ट नहीं है, वो भी अपने आप में इट रिक्वायर्स सम स्किल, तो उसकी प्रैक्टिस भी चाहिए कि पेपर दें कैसे. और ये तुम भी रियलाइज़ करोगे अगर खूब सारे पेपर्स दोगे तो समझ में आएगा कि हाँ धीरे धीरे यू आर गेटिंग स्मार्टर एट हाउ टू पिक क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है एक बार, कौन से क्वेश्चन पर कितनी देर लगानी है. और अगेन वो एक जो हाउ टू यूज़ द मेथड ऑफ एलिमिनेशन कि किस फटाफट लग रहा है कि ये तो है ही नहीं है ही नहीं, और फिर जब गैस वर्क करना है तो कैसे करें, और जस्ट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ योर गैसेज बेसिकली, तो ऑल ऑफ दैट. तो इसलिए मुझे सभी एंगल्स से एंड द वेरी फैक्ट कि इतना सारा सिलेबस है और ऑल ऑफ दोज रीजन्स मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी. एंड अगेन अगर ये स्ट्रैटेजी सब ने अपनाई तो ये सबको फ़ायदा हो जाएगा, एंड अगेन कंपटीशन उतना ही हाई रहेगा, बट मुझे पता है ये वीडियो सबके पास जाएगी नहीं. जितने लोग सुनेंगे अगर उनमें से कुछ लोगों ने अप्लाई कर ली तो उन लोगों को एडेड एडवांटेज है, दैट्स व्हाट आई बिलीव. सो गो फॉर इट. मैं आई हाईली रिकमेंड माई स्ट्रैटेजी क्योंकि मैंने उससे क्लियर किया है, तो ऑब्वियसली आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इट. सो वेल दैट्स इट, दैट वॉज माई जर्नी. And yeah, I hope it's helpful. Best of luck.